सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 1.5 टन एसी जो आपको 40,000 या उसकी आसपास की रेंज में मिलने वाले हैं। दोस्तों जो मैं सारे एसी बताने वाला हूँ वो सारे के सारे बेस्ट होंगे और अलग अलग ब्रांड्स के होंगे। कुछ स्पेसिफिकेशन ये सारे एसीज में कॉमन है तो वो मैं पहले ही आपको बता दूं, तो बार बार आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और बार बार मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, तो उस वजह से टाइम भी बचेगा। जो सारे एसी हैं वो 1.5 टन वाले होने वाले हैं और 5 स्टार एनर्जी स्टार रेटिंग के साथ आएंगे। और ये जो 1.5 टन के जो एसी होते हैं ना वो 120 स्क्वायर फीट से लेके 180 या 200 स्क्वायर फीट तक भी आराम से आप चला सकते हो। चाहे अब मैं बात करूँ कॉपर कॉइल के बारे में, तो कंडेंसर हो गया, इवोपरेटर हो गया, ये ट्यूबिंग हो गई, ये सारी कॉपर की आने वाली है जो मैं सारे एसी बताऊंगा उसके अंदर। बात करें स्टेबलाइजर फ्री रहेंगे सारे के सारे एसी और जो नॉइस लेवल होगा वो 38 टू 40 डेसिबल तक ही होने वाला है सारे एसी के अंदर। और एकदम अच्छे से चलते हैं ये 52 टू 54 एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी एकदम अच्छे से कूलिंग आपको प्रोवाइड करके देंगे। R32 की रेफ्रिजरेटिंग गैस जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है वो सारे एसी के अंदर यूज की गई है। मैंने अलग अलग ब्रांड्स के एसी आपको इसीलिए सजेस्ट किया है क्योंकि हर एसी की आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसी की वर्किंग के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि उनकी सर्विस से ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना होगा। क्योंकि हर एसी में आपको कंप्रेसर के ऊपर 10 साल 9 साल पीसीबी पे वारंटी, इस तरीके से आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंस्टॉलेशन के भी बहुत सारे फंडे हैं। इसीलिए मैं बोलूँगा कि जो भी एसी का ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हो उनके पहले एक बार कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल करो और किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से आप एसी सेलेक्ट भी ज़रूर करना। सो दोस्तों जो मैं सारे एसी बताऊंगा उसकी सारी बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगी। अगर आप वहां से कुछ भी चीज खरीदते हो तो कोई भी वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता और इस चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, तो जरूर से वहीं से कुछ भी आपको क्लिक करके लेना है तो वहीं से आप लीजिएगा। मेरा नाम है आमिर, वेलकम बैक टू माई चैनल, लेट्स बिगिन। बस एसी 1.5 टन इन 2024 की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 5 पे मैं जो आपको एसी रिकमेंड करूंगा वो है डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार एसी जो आपको अभी फिलहाल 45,490 का मिल रहा है। इसके ऊपर 2000 का कार्ड ऑफर है तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा और नीचे आ जाता है, बट स्टिल अगर कार्ड ऑफर भी ना लगाओगे तो डिसेंट सा एसी है। अगर मैं बात करूँ एनर्जी एफिशियंट जो इसकी आईसी रेटिंग होती है इसके अंदर आपको 5.20 की मिलती है जो बहुत ज़्यादा शानदार है। और हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी पे ये एसी कंज्यूम करता है ऑलमोस्ट 5,200 वॉट जो कि डिसेंट है। और एनर्जी जो एनर्जी कंजम्पशन जो होती है वो साल का एक यूनिट निकालती है जिसको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बोलते हैं। वहाँ ये एसी ईयरली कंज्यूम करता है 785.67 यूनिट पर ईयर जो बहुत ज़्यादा शानदार है। बात करूँ मैं अगर फिल्टर की तो आपको इसके अंदर ड्यू क्लीन 2.5 का PM माइक्रॉन का फिल्टर देखने मिल जाता है, 2.5 माइक्रॉन का फिल्टर देखने मिल जाता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर और ऑर्डर फ्री एयर आने वाली है। साथ ही साथ बात करें एसी के अंदर कुछ प्लस पॉइंट की, तो जो इसका रिमोट है इसके अंदर आपको बैकलाइट भी मिल जाती है, मतलब आप रात में भी यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से आप सारे बटन्स देख पाओगे। बात करें वारंटी की तो डाइकिन प्रोडक्ट के ऊपर 1 साल की वारंटी देता है और पीसीबी पे 5 साल की वारंटी देता है और कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी देता है, तो मेरी तरफ से एक बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड एसी रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बेस्ट 1.5 टन एसी इन 2024 की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 4 पे मैं जो आपको एसी रिकमेंड कर रहा हूँ वो है लॉयड का 1.5 टन 5 स्टार एसी जो आपको अभी फिलहाल मिल रहा है 40,990 रुपीज का। इसके ऊपर भी आपको 2000 का कार्ड ऑफर देखने मिल जाता है, कार्ड ऑफर को एक्सक्लूड भी करो तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एसी है। 5-in-1 कन्वर्टेबल है, मतलब 5 डिफरेंट कैपेसिटी से आप इसको चला सकते हो कूलिंग कैपेसिटी पे, जो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। एनर्जी एफिशिएंट में जो आईसी रेटिंग है वहाँ ये एसी को मिलते हैं 5.06 रेटिंग जो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी पे ये एसी कंज्यूम करता है 5,100 वॉट जो बहुत ज़्यादा शानदार है। और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में ये कंज्यूम करता है 780.56 यूनिट पर ईयर जो मतलब बहुत ज़्यादा फैबुलस है और आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैं आपके फिल्टर्स की बात करूँ तो आपको एंटीवायरल प्लस आपको पीएम 2.5 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिलता है जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लीन और ऑर्डर फ्री एयर आने वाली है। आपके फिल्टर के साथ इसके अंदर एक क्लीन फिल्टर डिटेक्शन भी देखने मिल जाता है और लो गैस डिटेक्शन जैसे आपको सेंसर भी एसी के अंदर मिल जाएंगे। लॉयड ये एसी पे आपको 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है, कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी देता है।
टीसीपी पे वारंटी नहीं मिलती है एसी में, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट बाकी आगे सारी चीजें मैं कंसिडर करूँ कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के हिसाब से तो हाईली रिकमेंडेड रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगी। बेश 1.5 टन एसी इन 2024 की मेरी लिस्ट में जो नंबर 3 पे मैं जो आपको एसी रिकमेंड कर रहा हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट एसी है, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिताची के 1.5 टन 5 स्टार एसी की, जो अभी आपको फिलहाल 42,990 रुपीज का मिल रहा है। इसके ऊपर भी 2,000 रुपया कार्ड डिस्काउंट मिलता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा 40,000 के आसपास आ जाता है, और बहुत ज्यादा शानदार एसी है। अगर मैं एनर्जी एफिशिएंट की बात करूं, जो आईसी रेटिंग है इसकी वो 5.06 की है, जो बहुत ज्यादा शानदार है। बात करूं हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी पे ये एसी कंज्यूम करता है 5,275 वॉट, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये एसी लेता है वो है 813.13 यूनिट पर ईयर। थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, पर जो इसकी कूलिंग है ना वो बहुत ज्यादा शानदार है। इसके अंदर आपको वेव डिजाइन रिमोट देखने मिल जाता है, जो बैकलाइट के साथ आता है, मतलब अगर रात में भी आप यूज कर रहे हो तो आपको बटन्स में लाइट देखने मिल जाती है। और इसके अंदर एक एक्सपांडेबल प्लस जैसा फीचर दिया गया है, जहां पर इसकी आप कूलिंग कैपेसिटी को एक्सपांड कर पाओगे आपके टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से। ये एसी के अंदर आपको 6 सेंसर देखने मिल जाते हैं, जो इसके क्रिटिकल पार्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। जो इसके अंदर फैन दिया गया है, इसके अंदर आपको 5 स्पीड सेटिंग देखने मिल जाएंगी फैन के अंदर, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो फिल्टर यूज किया गया है वो एक सुपर फाइन मैश फिल्टर दिया गया है, जिसके वजह से आपको ऑर्डर फ्री और क्लीन एयर आने वाली है। हिताची आपको ये एसी के ऊपर 1 साल के प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है, 5 साल की पीसीबी पे वारंटी देता है, और 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी देता है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसी है एंड हाईली रिकमेंडेड रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगी। बेस्ट 1.5 टन एसी इन 2024 की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 2 पे मैं आपको ये एसी रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है कैरियर का 1.5 टन 5 स्टार एसी, जो आपको अभी फिलहाल 41,990 का मिल रहा है। इसके ऊपर भी 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है, बट कार्ड डिस्काउंट को एक्सक्लूड करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एसी है। इसके अंदर आपको AI फ्लेक्स कूल इन्वर्टर देखने मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा शानदार है। साथ ही साथ ये 6-in-1 कन्वर्टेबल है, मतलब 6 डिफरेंट कूलिंग कैपेसिटी पे आप ये एसी को चला पाएंगे। और साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो आईसी जो रेटिंग है ये एसी की 5.13 है, जो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी पे एसी कंज्यूम करता है 5000 वॉट, मतलब बहुत ज़्यादा कम अगर आप हाईएस्ट कैपेसिटी पे भी इसको कंज्यूम कर रहे हो। इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन की अगर बात करें तो 754.05 यूनिट पर ईयर लेता है, जो लोएस्ट है अभी तक जो भी मैंने एसी बताए हैं। और इसके अंदर आपको ड्यूअल फिल्ट्रेशन देखने मिल जाएगा, एक एचडी फिल्टर है और एक PM2.5 माइक्रोन का फिल्टर दिया गया है, मतलब फिल्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये एसी। आपको 2 फिल्टर देखने मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको क्लीन और ऑर्डर फ्री एयर आने वाली है। 1 साल की आपको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है कैरियर, 5 साल की पीसीबी पे वारंटी देता है, और 10 साल की आपको कंप्रेसर पर वारंटी देता है। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा पावर पैक एसी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगी। बेस्ट 1.5 टन एसी इन 2024 की मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पे, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एसी है, वो है पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी, जो आपको अभी फिलहाल 43,990 का मिल रहा है। इसके ऊपर भी 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है, बट स्टिल कार्ड डिस्काउंट को भी हम एक्सक्लूड करें तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एसी है। वाईफाई इन्वर्टर देखने मिल जाता है, मतलब वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो, कहीं घर से बाहर भी हो तो एसी टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो फोन के डिवाइस से कनेक्ट करके। 7-in-1 कन्वर्टेबल है, मतलब आप इसको 40%, 90% फुल कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी में चला सकते हो, मतलब 1.5 टन से भी ज्यादा कैपेसिटी पे भी आप इसको चला सकते हो, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एनर्जी एफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो आईसी रेटिंग है एसी की 5.10 है, जो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी पे ये एसी कंज्यूम करता है 5100 वॉट, ये इसीलिए क्योंकि ये हाईएस्ट, ये आप इसको फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा कैपेसिटी पे चला सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे ये कंज्यूम करता है 774.19 यूनिट, जो बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर 1.5 टन से भी ज़्यादा कैपेसिटी पे आप इसको चला रहे हो, तब जाके ये हाईएस्ट कैपेसिटी वाला जो यूनिट होता है ये कैलकुलेट करके आता है ये जो कार्ड के ऊपर। अगर मैं एडिशनल फीचर की बात करूं एसी के अंदर, तो आपको एआई मोड देखने मिल जाएगा, 4-way स्विंग देखने मिल जाएंगे, और इसके अंदर PM0.1 माइक्रोन का एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर दिया गया है, जो बहुत ज्यादा शानदार है। और मेरे हिसाब से जो सेगमेंट के सारे एसी उसमें सबसे बेस्ट फिल्टर दिया गया है ये एसी के अंदर।
एंटी करोजिव सील देखने मिल जाती है जो ब्लू टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो करोजन से बचाती है इसके ट्यूबिंग को, जो कॉपर की ट्यूबिंग है सारी की सारी। वन टच सर्विस दिया गया है जो मतलब सेल्फ डायग्नोस करता है। इसके एक ऐप है जहां पर आप वन टच में इसके अंदर जो भी टेक्निकल फॉल्ट है ये इसको सेल्फ डायग्नोस करके आपको आपकी स्क्रीन पे लाता है और उससे आपको बहुत जल्दी पता चलता है कि कौन से पार्ट को रिपेयर और या सर्विसिंग की जरूरत है। अगर मैं बात करूं वारंटी की तो पैनासोनिक ये एसी के ऊपर आपको एक साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी देता है, 4 साल की पीसीबी पे वारंटी देता है। अगर कंप्रेसर की बात करें तो 9 साल की कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है और 5 साल की आउटडोर यूनिट पे वारंटी मिलती है जो बाकी सारे एसी नहीं देते, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एसी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। सो दोस्तों ये थे मेरे 5 बेस्ट एसी जो मैंने आपको 40,000 के आसपास की रेंज में बताए, सारे 5-स्टार एसी थे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन है ये एसी के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आपको कोई और ब्रांड के चाहिए जैसे एलजी गोदरेज तो उसमें भी मैं थोड़े लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि वक्त के साथ इसमें इसको अपडेट करते रहूं। बट जो भी लोग अगर आपको कोई भी एसी में से एसी आपको पसंद आ रहा है सेलेक्ट कर रहे हैं सो प्लीज मेरी दी हुई लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने पेश की है उसमें से ही जरूर लेना क्योंकि चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। वीडियो में इतने एंड तक रहे हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।